शिंदे शिवसेना गुट की महिला विधायिका मनीषा कायंदे बुधवार को नागपुर में थी। इस वक्त उन्होंने रामटेक निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रश्मि बर्वे मामले में कांग्रेस के नेताओं ने ही षड्यंत्र रचा है। पहले महिला की टिकट देना, फिर उसे काट देना, ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने आगे क्या कहा, देखते हैं। रामटेक रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने रश्मि बर्वे को टिकट दिया और उसके बाद पता चला कि उनका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो सदोष है और ये पता है कांग्रेस को, इस प्रकार का हमारा दावा है। और दूसरे उम्मीदवार का तुरंत ही आप एबी फॉर्म भी रेडी है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने अपने ही एक महिला पहले टिकट देकर सम्मान करना और फिर उनका खच्चीकरण करना, ये कांग्रेस की नीति है। आपने देखा कि मुंबई में जब शिवाजी पार्क में सभा हुई थी तो उन्होंने, राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ बात की। शक्ति एक महिला शक्ति को हम मानते हैं और एक महिला का इस प्रकार खच्चीकरण करना, कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं का खच्चीकरण किया है। आप देखेंगे कि बहुत साल पहले शाहबानो का जो मामला था उसमें भी एक महिला का खच्चीकरण किया है। तो इस बार देखेंगे कि मोदी जी और माननीय एकनाथ जी शिंदे ये साथ साथ मिलकर महिलाओं के लिए इस प्रकार अनेक स्कीम्स आज महाराष्ट्र में लॉन्च किए और इसीलिए महिला वर्ग भी खुश है और महिला वर्ग जो है महायुति के साथ ही रहेगा। देखिए, आपको पता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है और डिलिमिटेशन भी होगा, तो ये 2029। मगर आप देखेंगे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, तो ये महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने वाली पार्टी है। मैं स्वयं के उदाहरण से भी बता सकती हूँ कि शिवसेना में जब 2 MLC की सीट थी, एक महिला को दी गई, तो इसलिए हर एक मतदार क्षेत्र में अलग अलग समीकरण होते हैं। और यहाँ पर हमको जिस प्रकार मोदी जी ने नारा दिया है कि 400 पार, तो 400 पार में निश्चित ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा होगा।